अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक और ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों रात में जो है ना, हमारे जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स थे और हमारी डव वगैरह थी और कोने में हमारी फिंचीज थे और जावा, इन सबको हमने ढक दिया था ताकि इनको डायरेक्ट हवा ना लगे। अभी हम कपड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारी जो जावा है और हमारी जो ये डव है और ऑस्ट्रेलियन तोते वगैरह ये कैसे हैं। गुड मॉर्निंग, ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े से बैठी हुई हैं सारी की सारी अपनी जालियों पे। और ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स कैसे हैं भाई हमारे? ऑस्ट्रेलियन बर्ड भी माशाल्लाह से ओके हैं सारे के सारे। इन्होंने पानी का बर्तन गिरा दिया है, लेकिन पानी का बर्तन हमें सही से फिर लगाना पड़ेगा। खाना इन्होंने बेताशा नीचे गिराया हुआ है। ओए होए 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 होए, ये क्या किया भाई आप लोगों ने? हैं आप लोगों ने ये खाना नीचे क्यों गिरा दिया है? ये बैठे हुए माशाल्लाह से अपनी अपनी जगहों पर। चलें कि खाना वाना हम सेट कर देते हैं। ये रात में हमने इनको बॉयल्ड एग डाला था, माशाल्लाह से सारा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया इन्होंने बॉयल्ड एग ना। ये अच्छी बात है क्योंकि ये एग खाएंगे ना तो फिर इनको सर्दी का ज़्यादा कम झटका लगेगा। अच्छा भाई, वाइट जावा हमारी वहाँ बैठी हुई है सामने। दोस्तों माशाल्लाह से इन्होंने जो है ना अपने ये जो हांडी है, हांडी के अंदर नेस्टिंग वगैरह की है, स्टार्ट की है इन्होंने नेस्टिंग। अल्लाह करे ये प्रॉपर नेस्टिंग वेस्टिंग करके इसके अंदर अपनी ब्रीड स्टार्ट करें। ये हमारी फिंचेस आ गई, फिंचेस के क्या हाल है इनके भी देख लेते हैं। ये माशाल्लाह सेट है, इनका पानी पानी ख़त्म हुआ है, पानी चेंज करते हैं इनका भी। और नेस्टिंग तो इन्होंने देखें इस माशाल्लाह से हांडी के अंदर फिंच बैठी हुई है अंदर, ये निकल गई बाहर, इसमें भी बैठी हुई है। ये माशाल्लाह दोस्तों इसके अंदर एक अंडा दिया हुआ है फिंच ने, इसमें कित क्या है वही मामला। इसमें मेरे ख्याल से कोई अंडा वगैरह नहीं दिया अभी तक, इसमें क्या मामला है? इसमें भी कोई एग नहीं है। चलें हम बस ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं तो फिर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि ये अपने एग्स ना गिराते हैं। इनको भी रात में हमने बॉयल्ड एग दिया था, लेकिन बॉयल्ड एग इनका ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी ये खा गई है और कुछ बचा भी दिया इन्होंने। ये भी हम चेंज करके इनको आज रात में या फिर कल रात में दोबारा से अंडे देंगे। दोस्तों अभी जो है ना, हम चिंकी को ना मौसम्बी दे के देखते हैं कि ये मौसम्बी खाती है नहीं खाती। अब इसको हम ट्राई करते हैं मौसम्बी। आज मौसम्बी शायद पहले तो नहीं दिया ना कभी मौसम्बी, इसको हम पहली बार मौसम्बी दे रहे हैं, देखते हैं खाती है नहीं खाती। आ जाओ ये लो मौसम्बी, लो ये लो। ओ लो नहीं पसंद आया, फेंक दी। इतनी नखरी ली है ये देखें ज़रा, इसको जो चीज़ पसंद नहीं आती है ना उसको ऐसे सूंघेगी, उसके बाद ऐसे करके फेंकेगी भी और साथ में हाथ भी झटकेगी। ये इस तरह के काम करती है। अब इसको बनाना ही देना पड़ेगा क्योंकि ये मौसम्बी तो खा नहीं रही है। ये लो, अब बनाने को भी फेंको ना, जैसे तुमने मौसम्बी फेंकी है नीचे। इसको नहीं फेंका तुमने? देखें ज़रा कितनी चूजी है ये, अपनी मर्जी के खाने खाती है। सब खाना चाहिए तुम्हारे को, दूसरे फ्रूट भी खाया करो। एक तो इसको खाना खाते हुए हल्का सा हाथ भी लगाओ तो देखें कैसे करती है। खाओ खाना खाओ। आप इसके लिए अजलान इसके लिए लेकर आओ, शिपू के लिए खाना लेकर आओ। शाबाश, ये परात उठाओ ना, परात के अंदर खाना लेकर आओ। दोस्तों मैं अभी जो है ना कबूतरों को और बाकी बर्ड्स को दाना वगैरह डाला था, मैंने अभी देखा इधर आके तो हमारी एक फिंच जो है ये बाहर आके बैठी हुई है, जबकि ये देखें दरवाज़ा भी बंद है, गेट भी बंद है, ये बाहर कैसे आई कुछ पता नहीं। अब इसको पकड़ना मुश्किल ही होगा क्योंकि ये छोटी सी है, फुर फुर करके उड़ेगी इधर से उधर। आप बाहर कैसे आई हो? हैं बाहर बड़े बड़े परिंदे फिर रहे, फिर आपको काटेंगे वो, मारेंगे आपको। अब इसको कैसे पकड़े हम? जाल तो लेके खड़ा हूँ मैं कि किसी ने इसको इसमें पकड़ लूँ। उड़ गई, वो गई। अब इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन निकली कहाँ से ये? या तो मैं जब उस टाइम में पानी वगैरह भर रहा था ना, तो ये पानी भरने के टाइम में जब मैंने दरवाजा खोला तो ये निकल गई और मुझे पता भी नहीं चला है, मतलब वैसे तो निकलने की कोई जगह है नहीं। ये देखें दोस्तों, हम जो अपने बर्ड्स के लिए ऊपर दाना रखते हैं ना,
यहाँ पे केला रखते हैं और मिक्स दाना वगैरह रखते हैं। यहाँ पे ये लोग सारे बैठ के खाते हैं माशाल्लाह से। हमारे तीनों ग्रीन पैरट्स वहाँ पे फिर रहे हैं। ये रहे इधर, ये उड़ के गया उधर, एक इधर उड़ के गया। ये बुलबुल यहाँ पे केला वगैरह खा रही है। क्या हो गया, तुम क्यों इतने फूल के बैठे हुए हो? फिंच पता नहीं कहाँ चले गई। हमारी फिंच जो है ना अब नज़र नहीं आ रही, वो इतनी छोटी सी है, वो अब इस मास्टर केज में पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। कहाँ जाके बैठी कुछ पता नहीं चल रहा। वो बैठी हुई और उधर। आपको कैसा महसूस हो रहा है ये छोटी सी बर्ड को पकड़ के? बड़ा इसमें पिदाया, लेकिन जब ये यहाँ से उड़ के आ रही थी मैंने ऐसी हवा में नेट घुमाया और ये उसी नेट में आके फंस गई। तो मतलब गुड मॉर्निंग हो गया आज। गुड मॉर्निंग हो गया, बल्कि इसके लिए ज़्यादा अच्छा हो गया। ये बाहर यहाँ फिरेगी तो ये मरिएगी, इसके लिए अंदर ही सही है अपनी फैमिली के साथ। चलो जाओ अंदर, बाहर नहीं निकलना दोबारा। इनकी मिसिस कहाँ है? पता नहीं, क्या पता ये खुद ही मिसिस हो, ये भी नहीं पता। हाँ उधर वो मार रहा है, जो भाग गई थी, वो जैसे अंदर गया ना वो दूसरा वाला उसको मार रहा है, वो अभी भी मार रहा है। मारो उसको, क्यों बाहर निकले? उसको डांट लगे, क्यों कहते बाहर? हाँ मारो। गाइस ये देख लो, शिबू सबसे प्यारा बच्चा है, अपना खाना किस तरीके से शेयर करता है ये देखें। रैबिट भी सुकून से खाना खा रहा है इसके साथ और ये मुर्गा भी खाना खा रहा है इसके साथ। किसी को कोई टेंशन नहीं है, मगर ये खाना जो है बबलू शेयर नहीं करता अपना। अभी देखें ये आएगा खाएगा इसके साथ, ये देखें सुकून से बैठ के खाना खा रहे हैं सारे। हालांकि रैबिट आधी जो है वो प्लेट के अंदर है ताकि वो खाने के ऊपर बैठा हुआ आधा, मगर उसको शीपू फिर भी कुछ नहीं कह रहा, सुकून से खा रहे हैं सारे। दोस्तों अभी हम लोग जो है ना चीखड़े वगैरह लेकर आए हैं उन चीलों को खिलाने के लिए। ये देखें अभी हमने खिलाना शुरू किए और चीलें कितना आने शुरू हो गई हैं। हमने बोला कि थोड़ा सा जो है ना हम अपने जू का सदका उतारें, क्योंकि हमारे जानवर एनिमल वगैरह बहुत मर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये दे रहे हैं। और देखो चीलों की भरमार हो गई। आप भी उछालो, आप भी दो विक्की चाचा से ले लो। ये बिल्कुल करीब आना शुरू हो गई। ये देखो कितनी सारी आ गई चीलें। आई था आप साइड में हो जाओ, आपको उठा के ना ले जाए। आप भी तो गोश्त हो पूरा। अच्छा मैं भी हूँ। नबील डर गया। खत्म हो गया भाई। चलो आ जाओ, आइए अंदर आ जाओ, नहीं चीनें झपट्टा मारेंगी। आ जाओ, आप पे झपट्टा मारेंगी, आपको उठा के लेंगे, तो मैं क्या करूँगा हैं? ये देखें कितनी सारी चीलें आ गई। अच्छा एक भी नज़र नहीं आ रही थी अभी, हैं कितनी आई एकदम। ये देखें दोस्तों हमारे ग्रीन पैरट्स कितने इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ फ्लाइंग कर रहे हैं। शाम के टाइम में तो और ये खुश होते हैं, बड़े मस्त हो रहे होते हैं यहाँ पर। अच्छा कैसे बोल रहे हैं आपके ग्रीन पैरेट है ना, मज़ा कर रहे हैं ना? चलें फिर हम बस मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके जो है ना इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो लेकर आते हैं, ताकि फिर इनको वो दें हम ला के। अरे बबलू तुम तो ये कुर्सी तोड़ दोगे भाई, पहले ही हमारी दो कुर्सियाँ तुम तोड़ चुके हो। ये बबलू के पास किसने रख दी कुर्सी? ये कुर्सी तो तोड़ देगा ये। हाँ क्या हुआ बबलू, आपको कुर्सी तोड़नी थी, मैंने आपके पास से उठा ली। हमारी बकरियाँ भी माशाल्लाह बिल्कुल सही हैं। कैसी हो तुम, हैं खैरियत से हो? अब बबलू को हमने तुम लोगों से दूर करके बांधा हुआ है, तो तुम लोग कोई टेंशन नहीं है? बबलू को हमने बाहर बांधा हुआ है और इन दोनों को हमने अंदर रखा हुआ है, क्योंकि बबलू जो है ना इसके प्रॉपर हमें वहाँ पर जो है ना उस साइड में जो है ना एक कूठा लगाएंगे, उस कूठे में बांधेंगे। क्योंकि इधर अगर हम बांध रहे हैं तो ये जो हमारी फैंस लगी है इस पर बहुत टकरे मार रहा है, और अगर उस दरवाज़े के साथ बांधते हैं तो उस दरवाज़े पे उसमें बहुत टकरे मार रही हैं, तो इसलिए हमने फिल टाइम जो है ना इसको यहाँ पे सामने बाहर बांध दिया। इसको बाद में फिर हम उधर कोने की तरफ बांधेंगे। दोस्तों अभी जो है ना हम बकरे का दाना लेकर आ गया हूँ मैं, ठीक है। ये बकरे के दाने की पूरी बोरी है और ये मुर्गी के दाने की पूरी बोरी है, ये हम लेकर आ गए अपने एनिमल्स के लिए। और ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ मैं अपनी चिंकी के लिए और तोतों के लिए और बुलबुल वगैरह के लिए। चीकू लेकर आया हूँ, केला लेकर आया हूँ, अमरूद और जो फ्लेमिंगो है हमारी उनके लिए लाल चावल लेकर आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी हम जो है इनको देते हैं, ताकि दिन में तो मैंने दे दिया था, बर्ड्स वगैरह को यहाँ पे ऊपर रख दिया था, अभी फिर मज़ीद जो है मैं
ये देखें चिंकी कितना शोर कर रही है, मुझे बात भी नहीं करने दे रही। इसने मेरे हाथ में फ्रूट देख लिया ना, तो उसके लिए उजावली हो रही है। क्या चाहिए, केला चाहिए? हैं, किधर है केला? ये ना केला, ये देखें ज़रा, ये भी आ गई बाहर निकल गए। दे रहा हूँ मैं तुम्हें, दे रहा हूँ, रुक जाओ। ये लो आराम से चुप हो जाओ, आपको भी देता हूँ, रुक जाओ, आप रुको इधर। ओए 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 ओए, पूरा गुच्छे पे हमला कर दिया इसने, पीछे हटो। दोस्तों अभी मेरे फ्रूट लाने के साथ ही जो है ना वो चिंकी ने शोर करना शुरू कर दिया। ऊपर से जो हमारी बकरी है ना ये भी वहाँ फैन से निकल के आ गई थी और इन्होंने भी हमला कर दिया मेरे फ्रूट के ऊपर। तो फ्रूट्स तो खैर मैंने अभी यहाँ पर रख दिए, अभी मैं इनको जो है ना अमरूद वगैरह को छील के ना इनको काट के मैं इनको डालता हूँ ताकि हमारे तोते वगैरह जो हैं वो यहाँ पर खा सकें, और बुलबुल वगैरह के लिए भी केले छील के रखते हैं अभी। ये दोस्तों हमने अमरूद काट दिया अपने तोतों के लिए, ये अमरूद भी हम ऊपर रख देते हैं ताकि जो हमारे तोते हैं वो आके आराम से खा सकें। फिर तुम कैसे हो भाई, खैरियत से हो, ठीक हो? हैं, ये हमने जो हमारी जो हमटी डमटी वगैरह है ना इनके केज के अंदर जो है वो हमने सूखी जो घास थी ना वो हमने रख दी है। ये देखें कितने मज़े से कंफर्ट होकर बैठी हुई है ये। इनके बाकी जो पोर्शन है ना इसमें भी हम ये इस तरह की घास बिछा देंगे ताकि इनको थोड़ा सा कम्फर्ट रहे। ये देखें दोस्तों हमने भी ऊपर केले रखे थे और बुलबुलें आ गई हमारी माशाल्लाह खाने के लिए। केले की शौकीन है ये बहुत ज़्यादा, बहुत शौक से केला खाती हैं ये बुलबुलें। ये देखें दोस्तों हमारा फ्लेमिंगो ना कितना प्यास आया हुआ मेरे, बिल्कुल भी नहीं डरता माशाल्लाह से, बिल्कुल फ्रेंड हुआ है। और ये लोग खाते हैं बड़े शौक से लाल चावल, अभी इनके लिए देखें लाल चावल डालते हैं। रुक जाओ अभी नहीं खाओ, मैं तुम्हारे पानी में डाल के देता हूँ। ये लोग लाल चावल खाते हैं शौक से और पानी में भिगो के खाते हैं, अभी इसमें पानी डालेंगे ना फिर देखिएगा बड़े मजे मजे से खाएंगे ये। रुक जाओ मैं पानी भी डालता हूँ तुम्हारे। ये देखें अभी खाएंगे ये लोग शौक से। आओ आप भी खाओ, वो देखो बड़ा वाला इसको मार रहा है। ओए बदतमीज क्यों मार रहे हो इसको, तुम उसको भी खाने दो। इसको छोटे वाले को जो है ना अलग बर्तन में डाल के देते हैं। आओ तुम इधर आओ, मैं तुम्हें इसमें डाल के देता हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ, आपको सेपरेट डाल के देता हूँ। आओ इधर आओ, ये लो आपको ज़्यादा डाल के दे रहा हूँ मैं। ये देखो कितना सारे चावल हैं, इसमें भी पानी डालना पड़ेगा। ये छोटा वाला दोस्तों उधर खा रहा है तो बड़ा वाला उसको मार रहा था, तो मैंने इसको अभी सेपरेट जो है ना खाना दे दिया। अब दोनों के दोनों माशाल्लाह से अपने अपने बर्तन में खाना खा रहे हैं। आ जाओ खा लो। दोस्तों ये जो हमारे बबलू और बकरियों का जो हमारा फेंस बना हुआ था ना, इस फेंस के ऊपर हमने बेस बना दिया, ठीक है, इसके ऊपर अस्तर लगा दिया। अस्तर लगा के हमने कुछ टाइम इसको थोड़ा सा सूखने दिया। सूखने के बाद अब हमने जो इसके लिए हम फ्लोरोसेंट जो है ना वो पैंट लेके आए थे वो स्टार्ट हमने कर दिया है। अब आप देखिएगा कैसा लुक आ रहा है इसका, ये देखें, ये ऑरेंज कलर का हम लेकर आए हैं फ्लोरोसेंट कलर। इंशाल्लाह जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है नबील भाई आपको ये कलर? माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा है कलर, और वीडियोस के अंदर तो खासकर ये बड़ा और अंधेरे के अंदर भी चमकता है कलर, फ्लोरोसेंट है ना, ये नहीं चमकेगा ये कलर, लाजमी चमकेगा वीडियो के अंदर। अब दोस्तों हम ये कलर जो लेकर आए हैं हमें तो ये बताया फ्लोरोसेंट है और ये अंधेरे में भी चमकेगा, तो लेट्स सी अभी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद फाइनल इसकी लुक देखेंगे और फिर कल दिन में जो है ना इसकी सूरज की रोशनी में भी देखेंगे कि इसका कलर कैसा हमें लग रहा है। दोस्तों फाइनली जो है ना हमने ये फैंस के ऊपर कंप्लीट कलर कर दिया, अब ये देखें लुक वाइज आपको कैसा लग रहा है। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ। ये इस फैंस के ऊपर माशाल्लाह शाइन भी आ रही है, लेकिन अभी जैसे हमारी लाइट थोड़ी सी यहाँ पे वीक है तो उसकी वजह से आपको पता नहीं चला, दिन की रोशनी में ज़्यादा हमें अंदाज़ा होगा इंशाल्लाह कि ये कितना प्यारा लग रहा हो कितना नहीं। तो ये हमारा जो है आज फैंस जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। कलर जो पहले हमने कलर किया था वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो माशाल्लाह बहुत औसम लग रहा है मुझे। अच्छा दूसरा दोस्तों हमने क्या किया कि हमारी जो चिंकी वाला ये दरख्त था
इसके ऊपर भी कलर हमने बहुत पहले किया था लेकिन वो काफ़ी डिम हो गया था, तो अभी हमने क्या किया, चिंकी को हमने वो कर दिया अंदर बंद, और इस पर भी जो है ना मैंने अस्तर लगा दिया है। ठीक है, इस पर मैंने अस्तर अभी लगा तो दिया, लेकिन मैं इसके ऊपर जो पेंट है ना वो पेंट मैं कल करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अभी काफ़ी गीला गीला हो रहा है, ज़रा सूख जाएगा ना, तो फिर जो है वो कल इसके ऊपर सही से अच्छा सा पेंट का रिजल्ट आएगा। दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।